नमस्कार मित्रों, मैं अतुल गंगवार अपनी इस खास पेशकश में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना से मुकाबले की। कोरोना क्या एक बार फिर से इस विश्व को जाम करने के लिए या उसके पहिए थामने के लिए आ रहा है, तो ये एक आशंका जाहिर की जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में विशेष बैठक बुलाई है, जिसमें इस तरीके की जो कहते हैं जिस तरह का डर या कहें कि कोरोना से लड़ाई के लिए जिस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए, उन सब पर चर्चा हुई है। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि आपको कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार कोरोना का मुकाबला करने में सक्षम है। लेकिन हमने पिछली बार देखा है कि किस प्रकार से सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रह गई थी। कोरोना की भावता इतनी थी कि लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो क्या इस बार की लड़ाई कोरोना से जो लड़ी जाएगी वो सरकार भरोसे से लड़ी जाएगी या हमें स्वयं लड़नी होगी? हमारे साथ इस बात पे चर्चा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर विशाल चड्ढा, जिन्होंने पिछली बार कोरोना से लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी अतुल जी। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से लग रहा है कि कोरोना का कहर टूट सकता है, इसके बारे में आशंका जाहिर की जा रही है और देश में सरकारें प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेने के लिए कमर कस रही हैं। आपको क्या लगता है कि कोरोना की लड़ाई हम सरकार भरोसे लड़ेंगे या उसको लड़ने का कोई और तरीका भी हो सकता है? अतुल जी, मुझे लगता है कि हम दोनों को, सरकार को भी और नागरिकों को, सम्मिलित रूप से जिम्मेदार होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। और जहां जहां पे सरकार की आवश्यकता है, वहां सरकार अपना दायित्व निर्वाह करेगी और जिन निर्देशों का सरकार हमें अनुपालन करने के लिए कहेगी उसका तो हम अनुपालन करेंगे ही, लेकिन साथ के साथ अपने स्वास्थ्य की जो देखभाल है, अपने स्वास्थ्य के लिए जो हमें परहेज करने हैं, जो हमें चीजें नहीं करनी है जिनसे हम अस्वस्थ हो सकते हैं, उन सबको तो हमें ही करना होगा। सरकार द्वारा निर्देशित जो हमारे पास सूचनाएं आएंगी उनको सिर्फ इसलिए नहीं करना कि चालान कट जाएगा या ऐसा होगा, हमें जिम्मेदारी से उनका निर्वाह करना होगा और चीजों को बेहतर तरीके से डील करेंगे तो एक बार पुनः हम सक्सेसफुल होकर इस सारे संकट से बाहर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है मौजूदा स्वरूप में, क्या आपको लग रहा है कि वाकई ऐसी स्थिति हो सकती है? क्योंकि जो चीन के, चाइना के जो दृश्य दिखाई जा रहे हैं वैसे ही एकदम बहुत डरावने हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत इस कहर से बच पाएगा या क्या हो सकता है इसका? देखिए, मुझे लगता है कि चाइना से हमें बहुत ज्यादा इन देशों से आशंकित नहीं होना चाहिए, हम ऐसी स्थिति को झेल चुके हैं, चाइना ने अभी ऐसी स्थिति को झेला नहीं है। हमारे यहाँ एक हर्ड इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं कि जब एक बहुत बड़ी संख्या में एक पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो जाती है तो बाकी लोगों में एक हर्ड इम्यूनिटी भी आती है। लगभग दो से तीन तरह की वेव्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रचंड रूप में आई और सभी लगभग उसमें कभी ना कभी बीमार हुए और अधिक बार भी, एक से अधिक बार भी उनमें उनका संक्रमण हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ वेव थी ऐसा दुनिया में नहीं हुआ और साथ के साथ हमारा जो अविरल रूप से एक वैक्सीनेशन का अभियान था वो अविरल रूप से चला और अब लगभग लगभग बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन भी हमारे यहाँ हो चुका है और अभी भी जहाँ जिसको जरूरत है उसके लिए सरकार उपलब्ध करा रही है वैक्सीनेशन, तो ये स्थिति हमारे यहाँ पे इतनी खराब होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक बार हम इस स्थिति को अप्रैल मई में और फिर अक्टूबर में एक बार झेल चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम तो तीसरी बार ऐसी स्थिति में पहुंचे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात ये तो तय है, जैसे कि आपने कहा कि ये लड़ाई सरकार के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती, सरकार और हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा, यानी सरकार के प्रयासों के को तभी सार्थक किया जा सकता है जब हम लोग भी तैयार हों। आपने जैसे कहा कि हमें नॉर्म्स का पालन करना चाहिए, हम शुरुआती दौर से क्या प्रिकॉशंस आज से लेनी शुरू करें ताकि अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति बनने की बनती भी है तो हम तैयार हों उस लड़ाई से लड़ने के लिए? आम आदमी क्या अपनी ओर से तैयारी? देखिए, वही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है
जिसके बारे में हमें निरंतर बार बार इस बारे में सिखाया गया कि एक तो हमें कुछ देर के बाद अपने हाथों को धोना है, उनको स्वच्छ रखना है, और हाथों को साफ करने के जो 6 स्टेप्स हैं उनका अनुपालन करना है। उसके बाद मास्क जो है जरूर लगाना है, और जब भी हम भीड़ भाड़ के इलाके में हो, और तीसरा है कि 6 गज की दूरी जो बहुत जरूरी है उसका अनुपालन करना बहुत जरूरी है, और चौथा इसके अंदर जुड़ा था कि हमें अपना बूस्टर डोज जो है वो समय पे ले लेना चाहिए, हमारा बचाव इस संक्रमण से होगा। जी डॉक्टर साहब, और एक चीज और बताइए, मान लीजिए चलिए ये सारी चीजें तो प्रिकॉशनरी जो है, ये मैंने देखा कि अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं बिना गाइडलाइंस के भी अभी तक कर रहे थे। हालांकि थोड़ी लापरवाही तो शुरू हुई है, 6 गज की दूरी खत्म हुई है, लेकिन खान पान को लेकर या जैसे इम्यूनिटी बूस्टर टाइप की, जैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, कुछ आप सजेस्ट करते हैं क्या? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ना हम सिर्फ कोरोना के संक्रमण के समय पर चर्चा करें उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, हम एक जीवन शैली को निरंतर अपनाएं उसकी आवश्यकता इस देश के अंदर है, और हम सभी को उसका अनुपालन करना चाहिए। योगा हुआ, प्राणायाम हुआ, मेडिटेशन हुआ, और कुछ देर अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना, ऊर्जा प्रतिरोध क्षमता में लड़ने के लिए उपलब्ध रहे इसकी ध्यान करना है। तो अगर वो शरीर की ऊर्जा जो है अपनी बीमारी से लड़ रही है, या नए स्ट्रेसेस जो हम ले लेते हैं उन्हीं से लड़ रही है, तो उसके पास फिर प्रतिरोध क्षमता के लिए ऊर्जा कम होगी, और फिर हमारे इस सारे संकट में फंसने के चांस ज्यादा हो। जी, तो जी जी इसलिए निरंतर उन्हीं सब चीजों का अनुपालन करना, कि भाप ले लेना दिन में एक बार, गर्म पानी का सेवन करना, काढ़ा या सब्शनिवटी या इम्यूनो बूस्टर में होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम दिन में एक बार, ऐसा 3 दिन तक करना और फिर अगले माह करना। तो ऐसा जो अभी तक निर्देशित और अभी तक जो एडवोकेटेड हमारे पास सलाह है उन पे हमें ध्यान देना है, उनको हमें दोबारा से अपने आप को रिफ्रेश करके चीजों को करना है। जी जी ये मनुष्य है, जब संकट पड़ता है तभी से समस्या का समाधान, संकट का समाधान ढूंढता है, और शायद अगर निरंतर उस चीज को वो करता रहे तो एक दो दिन ही पूरा जीवन वो अपना स्वस्थ बिता सकता है। लेकिन ये एक आदर्श स्थिति है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम और आप, मतलब अगर मैं अपनी ही बात करूं तो बहुत सारी चीजों में इतनी लापरवाही बरत देते हैं कि जानते हैं कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अब जो तैयारी करनी चाहिए, ईश्वर करे कोरोना का वो प्रकोप हमारे देश पर वापस नहीं आए, लेकिन अगर वो नहीं आए तो भी हमें अब अपने आप को किस तरीके से इम्यून करना चाहिए, इसके लिए तैयार करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सम्मिलित रूप से इन सब प्रयासों को किया जाए, और हम कम बीमार हों तो जिससे नॉर्मल रूप में भी अस्पतालों में हमें जाने की आवश्यकता ना पड़े, तो ज्यादा ब्लड्स उपलब्ध होंगे। अगर इन केस ऐसी कोई महामारी का तांडव दोबारा से एक बार आता है, तो हम उसके लिए हॉस्पिटल के अंदर सरकार को किस तरह से सहयोग करें, एक तो बेड्स की अवेलेबिलिटी बढ़े, तो हम नॉर्मल बेड्स को कम से कम यूज में लाए, जैसे अगर संक्रमण होता है बहुत तेजी से होता है, बहुत ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो वो उपलब्ध रहे, एक तो ये हमारी तरफ से सहयोग हो सकता है। दूसरा, आखिरी वेव के बाद प्रधानमंत्री जी ने और सरकारों ने, राज्य सरकारों ने जिस प्रकार से कोशिश करके जिस तरह से ऑक्सीजन की उपलब्धता को इस देश में, मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता को इस देश में उपलब्ध कराया हुआ है, वाकई एक वंदनीय विषय है, और मुझे नहीं लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से इस बार कोई संकट अधिक आएंगे। दूसरा, डर को अपने जीवन से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर से जो फेफड़ों का संकुचन होता है और प्राणवायु जो है संकुचित रूप से जब प्रवाह में रहती है, तो फिर हमारे अधिक बीमार होने के या ज्यादा बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर फैटल भी हो जाता है, मृत्यु भी कई केसेस में से हो जाती है।
बाकी अपनी जो दवाई हैं जिन चीजों के लिए हमें रोगी रोग के लिए हम ले रहे हैं उनका नियमित सेवन करना, और बीच बीच में डॉक्टर को अपनी सलाह से उसकी सलाह से डॉक्टर की सलाह से अपने लिए कोई दवाई घटानी घटानी है उसका भी अनुपालन हमें करना चाहिए। और बाकी योगा करते रहें, मस्त रहें, मित्रों से बात करते रहें, 6 इंच की दूरी से मिलते रहें, और ये जो 31 25 दिसंबर 31 और यहाँ जो भी हमारे यहाँ भी फेस्टिव सीजन आने वाला है उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें, और कम से कम प्रयास करें कि हम बीमार हो, खान पान में भी ऐसा ना हो कि हमें नॉर्मल जुकाम हो और उस समय हमारी इम्यूनिटी गिरी हो तो हम कोरोना के वायरस को कैच कर लें। तो सर्दी से अपने आप को बचा के रखें, पूरे स्वेटर मफलर टोपी जैसे भी आपको जरूरत है, आपकी अपनी जरूरत है, दूसरे को देख करके उसने टोपी नहीं पहनी तो मैं भी नहीं पहनूंगा, अगर मुझे जरूरत है मफलर की टोपी की तो मुझे पहनना चाहिए, मुझे कोट पहनना चाहिए, तो मुझे अपने शरीर के अनुरूप जो है अपना वस्त्र धारण करना है और दूसरे को देखकर मुझे उसकी पहुंच नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इतना हमारा दायित्व है उसको हम जरूर निभाएं। यानी कुल मिलाकर ऐसा है कि अपनी जो एक सामान्य सी सावधानी है, मतलब ये जो आपने बताया ये नेचुरल वे में भी होनी चाहिए, अपना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी चीजों का ध्यान रखना, अपनी दवाई का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अभी ठंड बढ़ गई है तो उसमें भी अपना ध्यान रखना, घर में साफ सफाई बनाकर रखना। तो ये सामान्य सी चीजें जो आपने पहले भी कहा कि ये तो निरंतर करनी चाहिए, कोरोना के भय से नहीं करनी चाहिए। कोरोना आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और एक जो डर हमारे लोगों के बीच एक बार फिर से पनपने लगा, आपने इसको बहुत सहज भाव से दूर करने का प्रयास किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे, इस शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ, क्योंकि हम पहले इसको झेल चुके हैं और विजयी होकर निकले हैं, तो हमारे पास अच्छा अनुभव है, हम सबके पास अनुभव है, तो हम पुनः विजय होंगे, और ये बार बार आता रहेगा ऐसा माना जाता है मेडिकल साइंस में, तो इससे चिंता की बात नहीं है, रहेगा हमारे साथ, लेकिन इसे बीमारी के रूप में बड़ा नहीं होने देंगे, सब मिलकर इसको पीटेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद अतुल जी आपका भी, जी जी आप सभी स्वस्थ रहें और अपनी देखभाल अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, और सर्दी में और इस फेस्टिवल सीजन के अंदर उन छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान करें जिससे कि बड़ा रूप ना वो ले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर विशाल चड्ढा, जो बता रहे थे कि अब हमें अगर आने वाले एक खतरे से, वो आगाह कर रहे थे और कह रहे थे कि उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता चिता समान है, फर्क सिर्फ बिंदी का है। तो सरकार के प्रयासों के साथ हमें मिलकर लड़ना है, कोरोना से पहले भी हम विजयी हुए हैं, इस बार फिर विजयी होंगे। आप सब ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा मित्रों से मिलते रहें, बातें करते रहें, लेकिन 6 गज की दूरी बनाकर रखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।